शिल्पी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके दिलवाले में आपके जितने भी गाने हैं सभी हिट हुए हैं। इवन अगर हम दिलवाले की बात ना करें, लवली गाना, देन बेबी डॉल, चिट्टिया कलाइयां, सारे गाने आपके हिट हुए हैं। तो क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से गाने हिट होते हैं और हर किसी की जुबान पर होते हैं? थैंक यू सो मच, और आई एम वेरी हैप्पी कि सबको मेरा काम पसंद आता है और मेरा हार्डवर्क लोग अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब यू नो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग यू नो। जब आई मीन जब आप मुझसे कह भी रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, यू नो इट्स अ गुड फीलिंग। डीजे क्वीन बुला सकते हैं हम आपको? रियली नो, आई एम जस्ट नॉर्मल डीजे, हार्ड वर्किंग डीजे। जी बिल्कुल। सो जब बेबी डॉल की अगर मैं बात करूँ, जब ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था, तब क्या कुछ थॉट आए थे आपके दिमाग में कि हम मुझे हाँ अब और भी आगे काम करना है, इस तरह से रिमिक्स करने हैं, डीजे इस तरह से देना है? ऑफ कोर्स बेबी डॉल मेरा पहला गाना था, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना यू नो सुपर चला जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बट मेरा रीमिक्स भी इतना लोगों को पसंद आएगा यू नो मैंने इतना नहीं सोचा था, एंड एक्सपेक्टेशंस लोगों को ज़्यादा हो जाती है। आप एक हिट देते हैं यू नो, सो लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एंड ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है उसके बाद। सो ऑब्वियसली यू नो मैं प्रिपेयर की कि अब मुझे एक दूसरा हिट देना है, दूसरे के बाद एक तीसरा हिट देना है, सो इट्स अ प्रोसेस। देन जब आपको बोला गया कि आपको दिलवाले फिल्म में भी इस तरह से करना है, हालांकि आपने इसके पहले लवली भी किया है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, अगेन जब आपको ये ऑफर आया कि दिलवाले में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गाने करने हैं, तो क्या एक्साइटमेंट था, क्या कुछ था दिल में आपके और बड़ी जिम्मेदारी मिली, जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और वो भी जब एक सुपरस्टार की फिल्म हो तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्या थॉट थे आपके दिमाग में दिलवाले ऑफर आया था? ओके, सो जब यू नो जो प्रोड्यूसर है मिस्टर करीम इरानी, मैं शाहरुख को पहले से जानती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आई एम सो थैंकफुल उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, यू नो इतना बड़ा मुझ पर वो, इट्स लाइक हाउ डू आई एक्सप्रेस यू नो, इट्स माई लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब उन्होंने मुझे पहला गाना उन्होंने मुझे मन माई इमोशन ऑफर किया था, मैंने उस वक्त ये सोचा नहीं था कि मुझे एक दूसरा गाना भी आएगा, तीसरा भी आएगा। आई वॉज़ वेरी नर्वस यू नो कि मैं कैसे काम करूँगी, एंड विल दे लाइक माई वर्क यू नो, ऊपर से फ्रेंड्स हैं, इतना फेथ और इतना उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, सो दैट्स अ बिग प्रेशर ऑन मी, एंड मैं दिन रात जुट गई थी यू नो मेहनत करने के लिए। मैंने कोई अलग, मैं सुबह 5 बजे सोया करती थी, एंड जो प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर है ऑफकोर्स उनको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि गाने उनके हैं, यू नो उन्होंने सोचा दैट आई वॉज केपेबल यू नो। सो जब ये गाना ऑफर हुआ, दे लाइक माई वर्क सो मच, दे सेड यू नो शिल्पी चलो एक दूसरा गाना भी ट्राई करते हैं। टुकुर मुझे एक दिन पहले म्यूजिक लॉन्च के एक दिन पहले आया था, एंड दे सेड यू नो शिल्पी वी वॉन्ट यू टू बी द नंबर वन डीजे, एंड यू आर द बेस्ट, एंड योर वर्क इज़ सो गुड, and abhi tujhe you know this whole credit goes to you, the pressure is on you, so it's a very very big thing for me you know to be part of such a big banner. And I'm really thankful to God, I'm thankful to the entire Dilwale team you know that they thought ki main itni capable hu. जी बिल्कुल। आपने कहा कि मनमा इमोशन लगी जब ये पहला आपको गाना मिला इस दिलवाले के, शाहरुख जी से आपकी कुछ बात हुई उनसे कि हाँ ये गाना आपका लवली गाना बहुत ही हिट हुआ था, ये गाना भी इस तरह से कुछ, तो उनसे कुछ बात हुई आपकी? इस गाने में जो मेरा इंट्रैक्शन एक्चुअली था वो म्यूजिक डायरेक्टर से था, प्रीतम जी से, और जो प्रोड्यूसर्स थे मिस्टर करीम उरानी से। मैं जो भी मैं बनाती थी मैं उनको सुनाती थी उनके ऑफिस में जाकर, अगर वो अप्रूव करते थे देन आई शुड गो अहेड। आई मस्ट से कि उन लोगों ने यू नो यूजुअली क्या होता है जो ओरिजिनल गाने होते हैं रीमिक्स पर इतना ध्यान नहीं जाता यू नो, बिकॉज
द ओरिजिनल सॉन्ग्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट, बट इतना हार्ड वर्क, एक एक यू नो कीज, एक एक नोट्स पर लोगों ने इतना यू नो स्ट्रेस किया कि इसको बदलो, इसको अच्छा आना चाहिए. सो यू नो आई एम लाइक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम यू नो फॉर डूइंग सो मच हार्ड वर्क. एंड आई जो मेरे गाने जो ज़्यादा प्रूव हुए थे वो वरुण ने सुने थे, बिकॉज वरुण का गाना है मन माई इमोशन हार्ड वर्क. शाहरुख के यूजली द रोमांटिक सॉन्ग्स गेर हुआ, सो मन माई इमोशन हार्ड वर्क में वरुण का ज़्यादा इनपुट था. जी बिल्कुल. शाहरुख एंड काजोल की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर आ रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए, उन्हें कुछ अपने अंदाज़ में? काजोल एंड शाहरुख आर द अल्टीमेट पेयर फॉर मी बिकॉज दे आर सो डीप, सो ब्यूटीफुल टुगेदर. इनफैक्ट मैंने जब काजोल को देखा था, आई थिंक शी इज लुकिंग सेंसेशनल, यू नो शी इज मैरिड विद चिल्ड्रेन, बट उन्होंने कितनी अच्छी तरह अपने आप को मेंटेन किया है. लाइक पीपल लाइक अस यू नो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर. And it's a beautiful, intense pair, you know. कोई ऐसा compliment जो आपके लिए best compliment मिला हो आपको, जो आप याद करके रखना चाहें, टुकुर टुकुर गेरुआ या मन में emotional लगे? You know, मुझे जो compliment मिलता है, like you know, जब मैं किसी को बोलती हूँ, I'm an actress and I'm a DJ, उनके you know jaws literally गिर जाते हैं, उनकी आँखें एकदम ऐसे हो जाती हैं, like really, oh wow, you know, because लोग उम्मीद नहीं करते कि actress होकर DJ, you know, she must be doing you know such great work also. So that's like a you know big this thing for me, high for me. जी बिल्कुल. एक्ट्रेस से भी याद है, हम सभी जानते हैं, हमने आपको फिल्मों में भी देखा है, देन मॉडल, देन फिल्मों में, और अब डीजे. तो फिर से हम आपकी को ऐसी फिल्में देखेंगे जिसकी फिल्मों में आप एक्टिंग करते हुए भी नजर आएंगी? ऑफ कोर्स, जो मेरा जो गैप हो गया है वो एक रीजन की वजह हुआ था, बिकॉज माय डैड यू नो पास्ड अवे. मैंने बहुत सोच समझ कर ये यू नो गैप लिया था, एंड नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक, बट बिफोर आई कम बैक टू फिल्म इंडस्ट्री, आई यू नो वर्किंग ऑन माई सिंगल, विच आई एम गोइंग टू बी सिंगिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड डीजे. सो आई वॉन्ट टू फोकस नाउ ऑन दैट. कल ही अब दिलवाले रिलीज हो रही है, तो आप देखने जाने वाली हैं आज? ऑफ कोर्स आज ट्रायल है, मैं जा रही हूँ आज विश्वास, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड, एंड एंटायर दिलवाले टीम इज एक्साइटेड, ऑल माय फ्रेंड्स, आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट. गाती तो नहीं है आप, अगर मैं आपको कहूँ गाने के लिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सो कुछ विश करना चाहेंगे व्यूअर्स को, अपने फैन को, फिल्म के लिए, गाने के लिए? ऑफ कोर्स मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ दिलवाले जाकर देखिए, और इतनी ब्यूटीफुल स्टार कास्ट है, एंड उन सबको जाकर इनकरेज करिए. उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा यू नो हिट गया है. थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू अगेन यू नो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरा म्यूज़िक पसंद किया. थैंक्स अ लॉट.